खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरीक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरीक की कठिन तपस्या को देखकर देवी शक्ति वहाँ प्रकट हुई। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम माते। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान चाहिए? माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। तथास्तु, तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है। पर ज्ञात रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना। भगवती शक्ति ने बर्बरीक को तीन दिव्य बाण वरदान स्वरूप दिए। वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे, इसी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया। बर्बरीक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदानों के बारे में बताया। माँ, मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वाले की ओर से ही युद्ध करूंगा। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरीक नील घोड़े पर सवार होकर तीन बाण लेकर रवाना हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो ये सब लीला होते देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेगा और वो ये भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को पता था अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका। बर्बरीक को रोकने का अब एक ही उपाय है, मुझे बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगना होगा। हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मात्र तीन बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो? ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है, इनमें से मात्र एक बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में ही लौट आएगा। अच्छा, तो फिर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ के पत्तों की ओर बाण चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। ब्राह्मण राज, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। ये तीर बिना लक्ष्य पूरा किए वापस तरकश में नहीं लौटते। बर्बरीक के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता है। असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहीं छिपा भी दूंगा ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इन अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ, मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझसे दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूंगा।
मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन है? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते, कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरीक की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। बर्बरीक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है, और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतएव मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली ये कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा ये कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरीक, कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे, मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरीक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वो श्राप मुक्त हो सकता है। बर्बरीक का सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरीक के पास ही चलते हैं। पौत्र बर्बरीक, तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है, क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरीक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो जानते थे यदि स्वयं वासुदेव न होते तो ये धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन करने जाते हैं और उनसे मन वांछित फल की प्राप्ति करते हैं।